शेर तो शेर होता है, भले ही वो कुछ समय के लिए चुप हो जाए तो लोग यह मन बना लेते हैं कि अब शेर नहीं दहाड़ेगा, लेकिन शेर ने दहाड़ा है। आपके लिए पूरी वीडियो लेकर आई हूँ, वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार भोजपुरी, जहाँ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब में। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो उनके लिए दिल से नीचे ज़रूर कुछ कमेंट करें। आपके लिए सुबह सुबह लेकर आ गई हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि पवन सिंह, जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का एक बहुत बड़ा लोकगीत हमारे बीच आने वाला है, जिसके साथ जिसमें उन्होंने एक नई लड़की को मौका दिया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है, पवन सिंह हर बार हर नई लड़की को मौका देके तो भोजपुरी में हमें फिर से एक अलग ही जोड़ी देखने को मिलेगी। आप सभी को बता दूं कि मेरा भारत महान में पवन सिंह के साथ हमें गरिमा और मणि भट्टाचार्य एक साथ देखने को मिलेगी। इससे पहले भी पवन सिंह ने कई हीरोइनों के साथ काम किया है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में हर बार एक्सपेरिमेंट करने को देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह और मधु शर्मा की बहुत बड़ी फिल्म भी हमारे सामने आने वाली है। और एक फिल्म तो आ चुकी है जो कि लंदन में शूट हुई थी, जिसमें खेसारी लाल, मधु शर्मा और काजल राघवानी जी थे, लेकिन पवन सिंह की अभी फिल्म नहीं आई है। जैसे ही पोस्टर आता है हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आएंगे। आप सभी को बता दूं कि घातक फिल्म को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि पवन सिंह की फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है। पवन सिंह की और भी दो बड़ी बड़ी फिल्में सामने आने वाली है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह का इतना बड़ा गाना हमारे बीच आने वाला है, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी खुशी की बात है। ऐसे आपको बता दूं कि पवन सिंह की भोजपुरी इंडस्ट्री और पवन सिंह का नाम वह नाम है जो हमेशा मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। आप सहमत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भोजपुरी को सबसे पहले आगे बढ़ाने वाले कौन है। वह है पवन सिंह। बस आपसे यही उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना।